आज हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ जेनेटिक या जेनेटिकल फैक्टर्स ऑन दी फैमिलीज़। ओके, सो जेनेटिकल कंडीशंस स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो डिसऑर्डर्स की हम बात कर रहे हैं, तो जेनेटिकल डिसऑर्डर्स की वजह से किसी भी फैमिली को, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिनको वो डिसऑर्डर है, उनके साथ साथ उनके फैमिली और उनके जो क्लोज्ड वंस हैं उनको किस तरीके के एक नेगेटिव इम्पैक्ट्स फेस करने पड़ते हैं, उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। हमने इन फैक्टर्स को या इन इम्पैक्ट्स को चार तरीके से डिवाइड किया है। वील बी टॉकिंग अबाउट द सोशल इम्पैक्ट, फिजिकल और द कॉग्निटिव इम्पैक्ट, नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट एंड द लास्ट वन इज इकोनॉमिक इम्पैक्ट। ओके, सो हम सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किसी भी तरीके के जेनेटिकल डिसऑर्डर वाले पेशेंट या उनकी फैमिली को जो फेस करना पड़ता है, दैट इज़ द सोशल इम्पैक्ट। ओके, सो सोशल इम्पैक्ट, सो सोशली या सोसाइटी वाइज या जो आसपास के लोग होते हैं, जो सोसाइटी के लोग होते हैं या जिस भी तरीके के हम फील्ड में जाएंगे वहाँ पे जो लोग होते हैं उनका किस तरीके का एक माइंडसेट हमें फेस करना पड़ता है या हम देखते हैं उन फैमिलीज़ की तरफ जिनके फैमिली में किसी को जेनेटिक डिसऑर्डर है। सबसे पहला है सोशल स्टिग्मा। सोशल स्टिग्मा मतलब, स्टिग्मा का मतलब है एक कलंक की तरह, या पहले से ही वो सोच लेते हैं कि ओके, यहाँ पे अगर एक जेनेटिकल डिसऑर्डर्ड व्यक्ति है या मेंटली या फिजिकली हैंडीकैप्ड व्यक्ति है तो वो एक कलंक की तरह देखा जाता है, एंड दे हैव अ वेरी बैड व्यू अबाउट दैट पर्सन या उनकी फैमिली के लिए, एंड वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग होता है किसी के लिए भी। ओके, इसी के साथ साथ क्योंकि वो एक कलंक की तरह देखा जाता है इसीलिए बहुत ज़्यादा सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है उस व्यक्ति को भी और उनकी फैमिली को भी, गेट टुगेदर्स में या सोशल इवेंट्स में या एक्टिविटीज़ में उन्हें इन्वॉल्व ना करना, उनको एक अलग, एक क्या कहते हैं, एक अलग से ही आइसोलेट करके रखना, यहाँ पे हमने नेक्स्ट लिखा है सोशल आइसोलेशन, मतलब उन्हें एक नॉर्मल व्यक्ति या नॉर्मल फैमिली ना मानना सोसाइटी की तरफ से, ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है जो ज़्यादातर सभी पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज फेस करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ डिक्रीज्ड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सिबलिंग। सिबलिंग जो भाई बहन होंगे, जो भी ये जेनेटिकली अफेक्टेड पर्सन होंगे, उनके जो भाई बहन हैं, भाई बहन ही नहीं उनके जितने भी क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेटिव्स जो सपोर्ट करते हैं, उन सबको ही एक आइसोलेशन, डिस्क्रिमिनेशन और डिक्रीज्ड अपॉर्चुनिटीज़ फेस करने को मिलता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि ओके, अगर इस व्यक्ति को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या मेंटली या फिजिकली हैंडीकैप्ड है, ज़्यादातर मेंटली अगर हैंडीकैप्ड हैं या मेंटल डिसेबिलिटीज़ हैं, सॉरी, सो उस कंडीशन में ऐसा देखा जाता है कि ओके, इस पर्टिकुलर इंसान को है तो उनके भाई या बहन को भी होगा ही होगा, तो उस वजह से उनकी तो अपॉर्चुनिटी छीनी ही जाती है, साथ ही साथ जो ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं उन पेशेंट के, उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं, तो वो भी इन सारी चीज़ों से गुजरते हैं जो उस पर्सन को गुजरना पड़ता है, उस पेशेंट को। ओके, लाइफस्टाइल ऑल्ट्रेशन। लाइफस्टाइल ऑल्ट्रेशन क्योंकि एक तो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग, उसकी वजह से एक सोशली वेल बींग जो लाइफ होता है वो फैमिली नहीं, मतलब वो फैमिली वैसा नहीं जी पाती है, और साथ ही साथ क्योंकि फैमिली में किसी को इस तरीके का प्रॉब्लम है, उस वजह से भी, ये दोनों ही रीजंस हैं जिसकी वजह से जो एक नॉर्मल हेल्दी या हैप्पी जो लाइफस्टाइल है उस चीज़ को वो लोग, वो व्यक्ति या उनकी फैमिली नहीं जी पाती है, या उस तरीके का एक नॉर्मल या अच्छा लाइफस्टाइल नहीं हो पाता है उनका। द लास्ट वन इज़ लॉस ऑफ फैमिली इंटीग्रिटी। फैमिली इंटीग्रिटी या फैमिली यूनिटी या जो एक बहुत खुशहाल एक परिवार का होता है, वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, बिकॉज ऐसे कईयों जगहों पर हम देखते हैं कि जेनेटिकली डिसऑर्डर्ड जो बच्चे अगर हों तो उस केसेस में पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, फैमिली के लोग ही उस कंडीशन को सपोर्ट नहीं करते हैं और उस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं उस वजह से, या अगर फैमिली, पेरेंट्स अगर एक्सेप्टिंग हैं तो हो सकता है कि उनके रिलेटिव्स एक्सेप्टिंग ना हो, तो इन सारी चीज़ों की वजह से सोशली इतना ज़्यादा फोर्स होता है, इतना ज़्यादा एक रिपल्शन होता है जिसकी वजह से एक अच्छी फैमिली इंटीग्रिटी वो लोग एंजॉय नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग हम बात करते हैं कि फिजिकली या कॉग्निटिवली किस तरीके का इम्पैक्ट होता है। तो फिज़िकली तो ऑफ़ कोर्स जो फिज़िकल हेल्थ प्रॉब्लम्स वो
पर्सन फेस कर रहे हैं वो तो होता ही है, उसी के साथ साथ उस पर्सन को जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर वाला पर्सन है उस पेशेंट को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है नॉर्मल हेल्दी बच्चों की तरह कि वो कुछ सीख सकें, स्कूलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं अच्छे से, या किसी भी वोकेशनल जो कोर्सेज होते हैं उसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो नहीं मिल पाते हैं क्योंकि उन्हें थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती हैं ना ही सीखने के लिए ना ही काम करने के लिए, तो इस वजह से दे हैव लॉट्स ऑफ कॉग्निटिव प्रॉब्लम. ओके, नेक्स्ट वन इज़ मेंटल रिटार्डेशन. मेंटल रिटार्डेशन दैट हैपन्स इन मेनी ऑफ द केसेस, हम देखते हैं कि जेनेटिकली जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसकी वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ या मेंटल रिटार्डेशन ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है. और अगर मेंटली रिटार्डेड हैं तो उन्हें बाई बर्थ ही बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं क्योंकि वो एक नॉर्मल गुड मेंटल लाइफ, मेंटली हेल्दी लाइफ तो नहीं जी पाते हैं और फिर उन्हें बहुत सारी चीज़ों में फ्रॉम द स्टार्टिंग बोलना, चलना, दूसरों के साथ उठना बैठना, खाना खाना, ये सारी चीज़ें उन्हें सिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है. एंड दैट्स ऑल अबाउट द मेंटल रिटार्डेशन. नेक्स्ट इज मिसअंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द इम्प्लीकेशन ऑफ कैरियर स्टेट. नाउ व्हाट इज़ दिस कैरियर स्टेट? कैरियर स्टेट वो होता है जेनेटिकल कंडीशंस में हम बोलते हैं कि वो व्यक्ति जिनके मतलब एक्सप्रेसिबल फिनोटाइप नहीं है लेकिन उनकी बॉडी में वो एक जीन है, लेकिन वो जीन हो सकता है कि एक रिसेसिव स्टेट में हो कि उस जीन का जो भी एक्सप्रेशन है वो उनको फिजिकली या मेंटली नहीं हो रहा है, या कोई बीमारी है तो वो बीमारी जैसे हीमोफीलिया है. ओके, सो हीमोफीलिया के लिए हम कह रहे हैं कि जो फीमेल है वो जो फीमेल या डॉटर हैं वो कैरियर हैं और जो मेल हैं वो शायद पेशेंट हैं. तो अगर फीमेल कैरियर हैं तो कैरियर क्या होता है, इस कैरियर की वजह से मतलब कैरियर हो भी ते हैं कोई व्यक्ति, कैरियर की वजह से आगे क्या प्रॉब्लम होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत मिसकंसेप्शंस हैं आज भी हमारे यहाँ पे, तो इस वजह से दे फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. ओके, नेक्स्ट वन इज़ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट. साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट सोशल के बाद साइकोलॉजिकल एक बहुत बड़ा फैक्टर है. उसमें हम देखते हैं कि सेल्फ इस्टीम, कॉन्फिडेंस, एक जो सेल्फ एक आत्मनिर्भर एक जो फीलिंग होती है वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं क्योंकि बहुत डाउनवर्ड देखा जाता है या बहुत आइसोलेटेड देखा जाता है क्योंकि इतना सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है. वो अपने आप में भी फील करते हैं कि वो शायद अपने सिबलिंग से या अपने माता पिता से या बाहर जो अपने एज के बच्चे हैं उनसे फिज़िकली या मेंटली कुछ तरीके से कम हैं, उन्हें खुद भी फील होता है और जो उन पे डिस्क्रिमिनेशन होता है वो उस फीलिंग को और बढ़ावा देता है जिस वजह से उनको लेस सेल्फ इस्टीम, लो कॉन्फिडेंस लेवल, ये सारी चीज़ें वो फेस करते हैं. नेक्स्ट है ऑल्टर्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट. अ फीलिंग अबाउट व्हाट आई एम या मेरी क्या खूबियाँ हैं या मैं क्या हूँ, वैसी जो फीलिंग होती है वो उनमें बहुत ऑल्टर्ड होती है क्योंकि दे फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग कि उनकी लाइफ ऐसी क्यों है या वो आगे क्या कर पाएंगे. इसी चीज़ को लेकर हम आगे बात कर रहे हैं कि होपलेसनेस होता है, नाउम्मीदी जिसको कहते हैं, हेल्पलेसनेस होता है, वो बहुत हेल्पलेस फील करते हैं कि वो अपने आप के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं या अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं. वो थोड़ा बहुत भी अगर समझ पाते हैं, अगर ज़्यादा मेंटल इश्यूज़ नहीं होते हैं तो वो बहुत अच्छे से समझ पाते हैं कि उनके जो सिबलिंग्स हैं, उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो लोग भी उनकी वजह से डिस्क्रिमिनेटेड हो रहे हैं सोशली, तो उस वजह से भी वो लोग बहुत हेल्पलेस फील करते हैं. फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ में और मेंटल डिसेबिलिटीज़ में अपने आप को लेकर भी बहुत हेल्पलेस फील करते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर पा रहे हैं. ओके, नेक्स्ट इज़ स्ट्रेस एंड इमोशनल थ्रेट बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर. दिस होपलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस लीड्स टू अ कंडीशन जहाँ पे उन्हें यही नहीं पता होता कि वो कितना और जिएंगे और अगर जिएंगे तो उनका फ्यूचर कैसा होगा, वो कुछ अचीवेबल या बहुत वैल्यूएबल कुछ कर पाएंगे अपनी लाइफ में, वो कब तक किसी पे डिपेंडेंट रहेंगे, वो इंडिपेंडेंटली कब अपनी लाइफ जी पाएंगे. ये जो कुछ स्ट्रेस पॉइंट्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, ये उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और इसी वजह से वो अपने फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को लेकर, अनसर्टेनिटी मतलब एक क्लियर इमेज ना होना, क्लियर एक कॉन्सेप्ट ना होना कि आगे क्या होगा, उस वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल और इमोशनल ट्रॉमा में रहते हैं. ओके,
नेक्स्ट थिंग इज कोपिंग विद इनटॉलरेंट पब्लिक एटीट्यूड एंड दैट इज सेम जो सोशली हम बात कर रहे थे कि जो आसपास के लोग हैं जहाँ वो शायद कुछ सीखने जाते हैं तो वहाँ के जो नॉर्मल लोग होंगे या अगर वो कुछ करने जाएं तो उनके फैमिली के या बाहर के आस पड़ोस के जो लोग हैं उनका जो नज़रिया है उनका जो एटीट्यूड है इनकी तरफ उस वजह से जो एक नेगेटिव एटीट्यूड है इनकी तरफ वो जो चीज़ें हैं उसके लिए वो बहुत मुश्किल फेस करते हैं उस चीज़ों को टॉलरेट कर पाना बिकॉज दीज आर वेरी इनटॉलरेंट सिचुएशन. ओके तो ये सारी चीज़ें उनको साइकोलॉजिकली बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं. एंड नाउ द लास्ट थिंग इज इकोनॉमिक इम्पैक्ट. इकोनॉमिक इम्पैक्ट में जो भी जेनेटिकल स्क्रीनिंग्स हैं टेस्ट हैं उनका जो कॉस्ट होता है अगर पता चल जाए कि क्या प्रॉब्लम है तो उस अगर वो ट्रीटेबल है तो उसकी थेरेपीज़ के लिए जो कॉस्ट लगता है वो चीज़ अगर इंस्टीट्यूशनलाइज करना है या होम रेमेडी में भी रखना है तो उसका कॉस्ट ये सारी चीज़ें इकोनॉमिकली उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देती हैं. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि उनको करियर में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं और करियर अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलने की वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा होपलेस फील करते हैं. और अगर करियर अपॉर्चुनिटीज़ करियर वाइज मतलब कोई जॉब अपॉर्चुनिटी अगर मिल भी जाए तो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो उनकी कंडीशन के हिसाब से फ्लेक्सिबल नहीं होती. फ्लेक्सिबल ना होने की वजह से दे फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. ओके सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी सी दैट द पेशेंट फेसेस. सो दिस ऑल्सो लीड्स टू इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स. मतलब जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे तो देयर पेरेंट्स विल ऑल्सो बी हैविंग सम इकोनॉमिक इश्यूज तो वो सारी चीज़ें उनकी वजह से भी वो बहुत नेगेटिव फील करते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द इम्पैक्ट्स दैट अ पेशेंट एंड हिज और हर फैमिली फेसेस बिकॉज ऑफ द जेनेटिकल कंडीशन. आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. इस टॉपिक से रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू.